हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू विजयश्री फिजिक्स। स्टूडेंट, पिछले क्लास में हम लोगों ने लाइट के रिगार्डिंग बहुत सारे थ्योरीज पढ़े थे, जिसमें हम लोगों ने न्यूटन का कर्पस्कुलर थ्योरी, हाइगेंस का वेव थ्योरी, मैक्सवेल का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, अल्बर्ट आइंस्टीन का क्वांटम थ्योरी और डी ब्रोगली का ड्यूअल नेचर का थ्योरी हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग हाइगेंस प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे, हाइगेंस प्रिंसिपल को डिटेल में पढ़ेंगे। हाइगेंस प्रिंसिपल के आधार पर हम लोग अनेक फिजिकल प्रॉपर्टीज को, अनेक फिजिकल फिनोमेना को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। हाइगेंस ने अपने प्रिंसिपल में बताया था कि लाइट जो है वो एक हाइपोथेटिकल मीडियम जो इथर पार्टिकल का है उससे ट्रेवल करता है। ये जो इथर पार्टिकल का मीडियम है वो काफी ज्यादा इलास्टिक होता है और लो इसका डेंसिटी होता है। हाइगेंस ने अपने प्रिंसिपल के आधार पर बहुत सारे फिजिकल फिनोमेना को एक्सप्लेन किया था, बट उन्होंने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ये सारे के सारे प्रॉपर्टी उन्होंने वेव फ्रंट के कंसेप्ट के आधार पर प्रूव किया था। तो ये वेव फ्रंट क्या है, इसको समझते हैं हम लोग। पहले वेव फ्रंट, वेव फ्रंट को उन्होंने डिफाइन किया था लोकस ऑफ ऑल पार्टिकल इन मीडियम वाइब्रेटिंग इन सेम फेज लोकस ऑफ ऑल पार्टिकल्स इन ए मीडियम वाइब्रेटिंग इन सेम फेज इज कॉल्ड वेव फ्रंट। क्या है वेव फ्रंट? लोकस, लोकस क्या होता है, स्थान विशेष, प्लेस, पार्टिकुलर प्लेस, है ना। तो सभी पार्टिकल, मान लेते हैं कि लाइट ट्रेवल कर रहा है, ऐसे लाइट ट्रेवल कर रहा है, तो इसके इर्द गिर्द जो है बहुत सारे पार्टिकल है ना। इनके कंसेप्ट के अनुसार लाइट उसी मीडियम में ट्रेवल कर पाएगा, ये इथर कण वाले मीडियम जो है उसी में ट्रेवल कर पाएगा। तो जब लाइट ट्रेवल करता है तो ये स्ट्राइक करता है अपने आसपास के इथर पार्टिकल को, जिससे इथर पार्टिकल जो है वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देता है ना। तो जब इथर पार्टिकल का जिस प्लेस पे जो इथर पार्टिकल है, मान लेते हैं यहां पर है, एक 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 यहां पर है ना। अब ये सारे के सारे वाइब्रेट करना स्टार्ट कर दिए, तो जिस प्लेस पे इथर पार्टिकल सेम फेज में वाइब्रेशन स्टार्ट करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, ऑस्किलेट करते हैं, तो उनको मिलाने वाली एक हाइपोथेटिकल लाइन जो है उसको हम लोग बोलेंगे वेव फ्रंट। उसको क्या बोलेंगे, हम लोग वेव फ्रंट बोलेंगे, ओके। तो उसको लिख सकते हैं हिंदी में, क्या लिखेंगे कि जिस पोजीशन पर सभी कण किसी माध्यम में एक ही कला में वाइब्रेट करे, कंपन करे, उसे हम लोग वेव फ्रंट अर्थात तरंगिका कहते हैं, ठीक है। ये जो देखिए, जब लाइट मूव करेगा, ये मान लेते हैं यहां पर सोर्स है, ये क्या हुआ, यहां से लाइट सभी डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। मान लेते हैं यहां पर एक पार्टिकल और ये पार्टिकल, ये पार्टिकल जो है सेम फेज में है, यहां से जो ऑस्किलेशन होगा
और यहाँ पे जो ऑस्किलेशन होगा, फिर यहाँ पर जो ऑस्किलेशन होगा, फिर यहाँ पर भी जो ऑस्किलेशन होगा, ये सारे के सारे ऑस्किलेशन का अगर किसी पॉइंट पर हम लोग निकालते हैं तो सब सेम फेज में आते हैं। तो जब सेम फेज में आते हैं मतलब उनके बीच का फेज डिफरेंस जीरो है, उनके बीच का फेज डिफरेंस जीरो है। ये आप लोगों को पहले बोले हुए भी थे कि ऑस्किलेशन और जो वेव पढ़ा रहे हैं उसको ढंग से पढ़ लीजिए, तो उसमें बताया गया था फेज फेज डिफरेंस है ना, ऑस्किलेशन के रिगार्डिंग किस तरीके से फेज डिफरेंस हम लोग निकालते हैं, ये सारे के सारे उस लेक्चर में हमने पढ़ाया था, तो उसको देख लीजिएगा आप लोग एक बार फिर से। तो यहां पर ये पार्टिकल जो है वो सेम फेज में ऑस्किलेट कर रहे हैं, तो अगर इसे मिला देते हैं हम तो ये हमारा हो जाता है और ये लाइट का डायरेक्ट। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि लाइट जो है, यहां पर अगर हम लोग एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ये लाइट इस वेव फ्रंट से हमेशा नॉर्मल है कि नहीं, देखिए तो परपेंडिकुलर है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि लाइट जो है वो वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करता है या वो हमेशा वेव फ्रंट पे नॉर्मल रहता है। उसके बाद ये जो वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट का प्रत्येक पॉइंट, वेव फ्रंट का प्रत्येक पॉइंट एक नया जो डिस्टरबेंस का सोर्स होता है, विक्षोभ का स्रोत वो होता है। पर एवरी पॉइंट इन दिस वेव फ्रंट एक्ट्स एज द सोर्स ऑफ न्यू डिस्टरबेंस, और ये डिस्टरबेंस जो है उसको हम लोग बोलते हैं वेवलेट्स। जैसे यहां पर पॉइंट हम लोग लेते हैं तो यहां पर हमको मिल गया एक डिस्टरबेंस, यहां पर एक डिस्टरबेंस मिल गया, यहां पर एक डिस्टरबेंस मिल गया, यहां पर एक डिस्टरबेंस मिल गया, ये सोर्स हो गया। अब यहां से लाइट जो है फिर से मूव करना लगे, ठीक, और फैलने लगे, यहां से पहले फैला, फिर यहां पे जो पॉइंट लिए वहां से वो फिर फैलना स्टार्ट कर दिया, वहां से यहां फैलना स्टार्ट कर दिया। अब इन सब को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी वेवलेट्स। ये क्या हुए, इनको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी वेवलेट्स, द्वितीयक तरंगाग्र। अब देखिए कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में, आगे की दिशा में ये सेकेंडरी वेवलेट्स को टेंजेंशियली टच करने वाली जो लाइन है इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी वेव फ्रंट, इसको हम क्या बोलेंगे सेकेंडरी वेव फ्रंट। तो जितना भी सोर्स से लाइट निकल रहा है वो वेव फ्रंट के टेंजेंशियली सॉरी नॉर्मली निकलेगा या वेव फ्रंट के नॉर्मल होगा। वेव फ्रंट का प्रत्येक पॉइंट जो होता है वो एक नया सोर्स है डिस्टरबेंस का, विक्षोभ का एक नया स्रोत है, और उस सोर्स, उस डिस्टरबेंस के सोर्स को हम लोग बोलेंगे वेवलेट्स बोलेंगे। कौन सा वेवलेट्स, तो सेकेंडरी वेवलेट्स। अब इस सेकेंडरी वेवलेट्स को फॉरवर्ड के डायरेक्शन में टेंजेंशियली टच करते हुए जो लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे उस लाइन को हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी वेव फ्रंट, उस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे सेकेंडरी वेव फ्रंट। और यही सेकेंडरी वेव फ्रंट जो है इसके आधार पर हाइगेंस ने सारे फिजिकल प्रॉपर्टी, सारे फिजिकल फेनोमेना को एक्सप्लेन किया। तो पहले इस पॉइंट को हम लोग नोट कर लेते हैं, ओके। तो पहला पॉइंट हम लोग नोट कर लेते हैं कि रे ऑफ लाइट ऑलवेज मूव इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द वेव
फ्रंट है ना, वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ट्रेवल करता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा कि वेव फ्रंट का प्रत्येक पॉइंट जो है वो एक नया सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस की तरह बिहेव करेगा। इसको हिंदी में क्या लिखेंगे? प्रकाश की रेखा हमेशा तरंगिका के लंबवत दिशा में गति करती है। अब लिखेंगे एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट Every point on the wave front acts as a new source of disturbance. Every point on wave front, wave front पे प्रत्येक बिंदु जो है वो एक नए डिस्टरबेंस का सोर्स की तरह बिहेव करेगा, और इसको हम लोग बोलते हैं विच इज कॉल्ड सेकेंडरी वेवलेट्स, विच इज कॉल्ड सेकेंडरी वेवलेट्स। तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा कि तरंगिका के प्रत्येक बिंदु जो है, जो भी हम लोग चूज करते हैं है ना, वह एक नए विक्षोभ का स्रोत की तरह व्यवहार करता है जिसे हम लोग द्वितीय तरंगाग्र कहते हैं। ओके, अब जो है कि ये सेकेंडरी वेवलेट्स को फॉरवर्ड डायरेक्शन में टेंजेंशियली टच करने वाली जो लाइन है उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी वेव फ्रंट। द लाइन ड्रॉन टच्ड टेंजेंशियली द लाइन ड्रॉन टच टेंजेंशियली इन फॉरवर्ड डायरेक्शन डायरेक्शन टू द सेकेंडरी वेवलेट्स इज कॉल्ड सेकेंडरी वेव फ्रंट। ठीक है, द्वितीयक तरंगाग्रों को आगे की दिशा से स्पर्श रेखा के अनुसार टच करने वाली लाइन, छूने वाली लाइन, स्पर्श करने वाली लाइन द्वितीयक तरंगिका कहलाती है। और जो ये हाइगेन साहब थे इन्होंने अपना सारा एक्सप्लेनेशन इसी के आधार पे किया है ना। हाइगेन एक्सप्लेन हिज एक्सप्लेन द ऑप्टिकल फेनोमेना ऑन द basis of secondary
फ्रंट, सेकेंडरी वेव फ्रंट, ठीक है। हाइगेन एक्सप्लेन द ऑप्टिकल फेनोमेना ऑन द बेसिस ऑफ सेकेंडरी वेव फ्रंट। यही सेकेंडरी वेव फ्रंट के आधार पर, यही द्वितीयक तरंगिका के आधार पर हाइगेन ने अपने बहुत सारे ऑप्टिकल फेनोमेना जो है प्रकाशीय फिनोमिना उसको उन्होंने एक्सप्लेन किया। तो ये था वेव फ्रंट, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि ये वेव फ्रंट कितने प्रकार के होते हैं। तो ये देखिए, वेव फ्रंट जो है वो तीन प्रकार के होते हैं। वो डिपेंड करते हैं कि उनका सोर्स कैसा है, है ना। अगर सोर्स पॉइंट सोर्स है तो वेव फ्रंट स्फेरिकल होते हैं, अगर सोर्स लीनियर है तो वेव फ्रंट जो है स्फेरिकल होते हैं, अगर सोर्स जो है वो पैरेलल है, पैरेलल लाइन का सोर्स है, तो आपका वेव फ्रंट प्लेन होते हैं। तो इसको हम लोग देखेंगे, पहले आप इसको जो है नोट कर लीजिए। तो अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट, वेव फ्रंट कितने प्रकार के होते हैं। तो वेव फ्रंट का टाइप डिपेंड करता है कि सोर्स कैसा है, टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट डिपेंड अपॉन द सोर्स, सोर्स सोर्स कैसा है इस पर डिपेंड करता है कि वेव फ्रंट किस प्रकार का होगा। जैसे हमारे पास एक पॉइंट सोर्स है, क्या है, पॉइंट। तो पॉइंट सोर्स, जैसे ये पॉइंट सोर्स है तो ये इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी, मतलब चारों तरफ स्फेरिकल सिमेट्री में वेव फ्रंट बनाएगा। वेव फ्रंट कैसा होगा, स्फेरिकल। तो सोर्स जब पॉइंट सोर्स रहता है तो आपका वेव फ्रंट ये है स्फेरिकल वेव फ्रंट। इस स्फेरिकल वेव फ्रंट का जो इंटेंसिटी है ना, वो इस स्फेयर के रेडियस पर डिपेंड करता है। और किस प्रकार से डिपेंड करता है, तो इसकी जो इंटेंसिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ये क्या है, इंटेंसिटी। और एम्पलीट्यूड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर टू। सोर्स पॉइंट सोर्स रहेगा तो हमारा वेव फ्रंट स्फेरिकल होगा, इंटेंसिटी 1/r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, सॉरी आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपका एम्पलीट्यूड होगा। अगर हम बात करते हैं कि सोर्स यदि लीनियर है, तो ये लीनियर बहुत सारे पॉइंट सोर्स से मिलकर बना है, तो बहुत सारा स्फेरिकल, यहाँ पे स्फेयर 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 जो है मिला के एक स्फेरिकल बना देगा, सॉरी एक सिलिंड्रिकल आपको वेव फ्रंट बना देगा कि नहीं बना देगा। तो जब हमारा लाइन सोर्स रहता है सोर्स, तो हमारा जो है वेव फ्रंट
वेव फ्रंट जो है हमारा स्फेरिकल होता है, सॉरी सिलिंड्रिकल होता है। तो लाइन सोर्स का वेव फ्रंट सिलिंड्रिकल, वेव फ्रंट इंटेंसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r एंड एम्पलीट्यूड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√r। ठीक है, अब जो है देखते हैं यदि सोर्स लाइन एंड पैरेलल हो तो जो वेव फ्रंट होगा हमारा ये हमारा प्लेन वेव फ्रंट है कि नहीं है, और सोर्स हमारा क्या है पैरेलल, पैरेलल सोर्स। तो पैरेलल सोर्स रहता है तो हमारा जो वेव फ्रंट है वो होता है प्लेन फ्रंट, वेव फ्रंट जो है हमारा प्लेन होता है। इंटेंसिटी जो है वो आर पर डिपेंड नहीं करता है और एम्पलीट्यूड भी आर पर डिपेंड नहीं करता है। ओके तो ये हो गया आपका टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट का टाइप कितने प्रकार का, तीन प्रकार का। अगर सोर्स जो है पॉइंट सोर्स रहता है तो हमें स्फेरिकल वेव फ्रंट मिलता है, और यदि सोर्स जो है लीनियर रहता है तो हमें सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट मिलता है, यदि सोर्स जो है पैरेलल लाइन की तरह रहता है तो हमें प्लेन वेव फ्रंट मिलता है। इसी सेकेंडरी वेव फ्रंट के आधार पर उन्होंने बहुत सारे फिजिकल प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन किया, जिसमें से हम लोग जैसे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को देखेंगे कि किस प्रकार से उसको उन्होंने प्रूव किया रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को अपने सेकेंडरी वेव फ्रंट के मदद से। ओके तो पहले इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग जो है वो रिफ्लेक्शन के बारे में देखेंगे कि रिफ्लेक्शन को उन्होंने सेकेंडरी वेव फ्रंट के आधार पर किस प्रकार से प्रूव किया। ओके लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, तो ये देख लीजिए ये एक प्लेन सरफेस है जो कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये एक रिफ्लेक्टिंग प्लेन सरफेस है। ओके पैरेलल वेव फ्रंट जो है वो इस सरफेस पे स्ट्राइक करता है, पैरेलल वेव फ्रंट इस सरफेस पे स्ट्राइक करता है, तो इंसिडेंट करता है पैरेलल, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद ये पैरेलल ही निकल जाएगा। ये पैरेलल ही निकल जाएगा। यहां पर देख लेते हैं, हमने यहां पे नॉर्मल डाला, तो ये अगर एंगल ऑफ आई है तो ये एंगल ऑफ आर हो जाएगा। ओके अब सेकेंडरी वेव फ्रंट, ये जो सेकेंडरी वेव फ्रंट है तो यहां पर हम लोग एंगल बना के और इस पर एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, इस पर एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, मतलब ये 90 डिग्री। उसी तरीके से इससे इस पर हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, ये भी 90 डिग्री। तो देखिए ये आई है, ये आई है, तो चूंकि ये दोनों क्या है पैरेलल रहे हैं, ये आई है तो ये भी आई हो जाएगा। अब जब ये आई होगा तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये 90 और ये आई, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस आई। जब ये 90 माइनस आई होगा तो
तो यहां से यहां तक पूरा का पूरा 90 है, तो जब ये 90 माइनस आई होगा तो ये वाला एंगल हो जाएगा आपका आई, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा आई। उसी तरीके से ये वाला एंगल जो है जो हम लोग नॉर्मल ड्रॉ किए ये हो जाएगा आपका आर। अब हमारे सामने हम लोग डाल देते हैं ए बी ओ ओ डैश। हमारे सामने दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है ए ओ बी एंड दूसरा ट्रायंगल है ए ओ डैश बी। ए ओ बी ए ओ डैश बी इन दोनों ट्रायंगल में हम लोग देखेंगे तो एंगल ए ओ बी बराबर एंगल बी ओ डैश ए बराबर 90 डिग्री। एंगल ए ओ बी एंगल बी ओ डैश ए दोनों क्या है 90 डिग्री है, एक दूसरे के बराबर हो गए। फिर क्योंकि पैरेलल रे है दोनों का, दोनों पैरेलल गैप थोड़ा है ना ड्रॉ करने में जो है गड़बड़ हुआ है, बट चूंकि पैरेलल रे आ रहा है तो पैरेलल ही जाएगा, मतलब OA जो है OA वो O डैश B के बराबर होगा। क्यों? पैरेलल रे का गैप है तो ये भी चलिए बराबर हो गया। बात करते हैं हम AB का, तो इस ट्रायंगल में भी AB है और इस ट्रायंगल में भी AB है, तो AB बराबर AB कॉमन है, दोनों कॉमन है। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखेंगे तो ये हाइपोटेनस है, इसमें ये हाइपोटेनस है, एक साइड एक हाइपोटेनस और एक राइट एंगल, इसमें भी एक साइड एक हाइपोटेनस और एक राइट एंगल बराबर है, मतलब ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल AO डैश बी जो है वो कंग्रुएंट है ना, मतलब दोनों क्या है सर्वांग सम है ना, दोनों सर्वांग सम है, मतलब इसका प्रत्येक साइड और प्रत्येक एंगल इसके प्रत्येक साइड और प्रत्येक एंगल के बराबर है। तो इसका जो एंगल है आई वो इसके एंगल आर के बराबर होगा कि नहीं होगा, कि ट्रायंगल ए ओ बी कंग्रुएंट टू ट्रायंगल ए ओ डैश बी, सो ये किससे आर एच एस राइट एंगल हाइपोटेनस एंड साइड से, तो सो एंगल आई बराबर एंगल आर। यही था ना लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या था कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो उन्होंने इससे प्रूफ करके दिखा दिया, इससे उन्होंने शो कर दिया एक्सप्लेन कर दिया। ओके अब हम लोग देखेंगे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, पहले इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखेंगे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन सेकेंडरी वेव फ्रंट के आधार पर। ओके तो ये देख लीजिए, हमने मीडियम पहले सेपरेट कर दिया, ये एक मीडियम है, ये मीडियम वन है और ये मीडियम टू है, इस पर हमने एक पैरेलल वेव फ्रंट जो है वो स्ट्राइक करा है, इंसिडेंट करा है, ये हुआ आपका नॉर्मल, लाइट जो है रिफ्रैक्ट हुआ पैरेलल ही रहा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। अब हमने क्या किया कि इस पर जो है हमने एक
जो है इसको सेंटर मान के एक सर्किल खींचा और इस सर्किल से जो है वो टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ठीक है। उसी तरीके से यहां पर हमने एक टेंजेंट सॉरी एक सर्किल बनाया इसको सेंटर मान के, और फिर इस पॉइंट से, क्योंकि पॉइंट सोर्स का वेव फ्रंट क्या होता था सेकेंडरी, तो ये वेवलेट्स को सेकेंडरी वेवलेट्स को मिलाने वाली रेखा जो थी वो हमारा सेकेंडरी वेव फ्रंट होता था। तो सेकेंडरी वेव फ्रंट के आधार पर ही करना है, मतलब क्या कि सीधी सी बात है कि यहां से इसको नॉर्मल खींचे और यहां से इसको नॉर्मल खींचे, ठीक है। टी टाइम में ये देखिए यहां पर लाइट जो है वी वन वेलोसिटी से जा रही है और यहां पर लाइट जो है वी टू वेलोसिटी से जा रही है, ओके। तो टी टाइम में इसके द्वारा एक्स डिस्टेंस ट्रेवल किया गया एक्स, और इसके द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल किया गया वन। ये आई है तो ये भी आई हो जाएगा और ये आर है तो ये भी आर हो जाएगा, ओके। ये ओ और ये ओ डैश है, तो इस ट्रायंगल के लिए ओ ओ डैश और इस ट्रायंगल के लिए ओ ओ डैश दोनों क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा। बात करें हम एक्स के लिए तो यहां पर जो टाइम लगा यहां पर चाहे सीधे ऐसे देखिए वी वन इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स बाई टी और टी बराबर एक्स बाई वी वन, ये इक्वेशन फर्स्ट। दूसरे मीडियम में देखते हैं तो v2 इक्वल टू क्या हो जाएगा x बाय सॉरी y है ना y बाय t और t इक्वल टू क्या हो जाएगा y बाय v2। अब x और y का वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग, पहले इक्वेशन वन और टू में देखेंगे वन एंड टू, तो हम लोग लिख सकते हैं x बाय v1 बराबर y by v2। यहां पर देखिए तो x by y बराबर v1 बटा v2 ये लिख सकते हैं हम लोग इक्वेशन थर्ड। चलिए पहले x1 और तो x और y का वैल्यू निकालते हैं, तो इस ट्रायंगल में o o a o dash और ओ बी ओडेस, दो ट्रायंगल है आपके पास, तो ओ ए ओडेस में एंगल के सामने वाला ये 90 डिग्री है, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर ये बेस और ये हाइपोटेनस, तो साइन आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन आई इज इक्वल टू पी बाई एच, पी है एक्स एच है ओ ओडेस और एक्स बराबर हो जाएगा ओ ओडेस इंटू साइन आई, ओके। ये एक्स का वैल्यू आपको मिल गया। फिर दूसरे में आते हैं साइन आर इज इक्वल टू हो जाएगा वाई बाई मतलब पी बाई एच, तो पी क्या हो जाएगा एंगल के सामने वाला ये वाई है ना, ये कितना है वाई है और एच क्या हो जाएगा ओ ओ डैश ओ ओ डैश और y इज इक्वल टू ओ ओ डैश इंटू साइन आर। अब x और y को हम लोग इक्वेशन थर्ड में सब्स्टिट्यूट करते हैं फ्रॉम थ्री, फ्रॉम थ्री x की जगह पे लिखेंगे ओ ओ डैश साइन i बटा y के जगह पे लिखेंगे ओ ओ डैश साइन आर, ओ ओ डैश से निकाल दिए साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू वी वन बाई वी टू। एक चीज देखिए यहां पे म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी होता है, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सी बाई म्यू हो जाएगा, ओके। तो साइन I by sin R is equal to यहां पे भी वन की जगह पे क्या लिखेंगे C by mu वन गुने mu टू by C, C से C कैंसिल बराबर mu टू by mu वन, यही ना था स्नेल्स लॉ,
साइन आई बाई साइन आर बराबर म्यू टू बाई म्यू वन हो गया। यही है आपका स्नेल्स लॉ। तो सेकेंडरी वेव फ्रंट के आधार पे हमने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों को एक्सप्लेन करके देख लिया। अब जो है हम लोग देखेंगे कुछ वेव के कंसेप्ट, जैसे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो पहले इसको नोट कर लेंगे, फिर हम लोग देखते हैं सुपरपोजिशन ऑफ वेव। स्टूडेंट अब हम लोग पढ़ेंगे सुपरपोजिशन ऑफ वेव। सुपरपोजिशन ऑफ वेव समझते हैं क्या होता है, कि अगर किसी मीडियम में किसी पार्टिकल पे दो या उससे अधिक वेव सुपरइम्पोज्ड हो जाए, मतलब अध्यारोपित हो जाए, है ना, तो उस वेव के कारण उस पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट से अलग हो जाता है। जैसे एक वेव जो है उस पार्टिकल पे पड़ा, स्ट्राइक किया या फिर सुपरइम्पोज हुआ, तो वो इतना डिस्प्लेस हुआ। मान लेते दूसरा वेव भी इस पे सुपरइम्पोज हुआ, तो उसका डिस्प्लेसमेंट अगर अलग अलग टाइम पे कर रहे हैं तो दोनों का अलग अलग होगा, लेकिन दोनों एक साथ अगर सुपरइम्पोज होता है किसी पार्टिकल पे तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है पहले दोनों इंडिविजुअल से अलग हो जाता है। तो इसी कंसेप्ट को हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से पढ़ेंगे। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के आधार पे हम लोग बोलेंगे कि जब दो या दो से अधिक वेव किसी पार्टिकल पे किसी मीडियम में सुपरइम्पोज होते हैं, अध्यारोपित होते हैं, तो उनका जो रिजल्टिंग डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल के ऑस्किलेट करने के कारण उनका जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है वो दोनों इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर सम के बराबर होता है। मान लेते हैं वेव वन जो है वाई वन डिस्प्लेसमेंट किया और वेव टू जो है उस पार्टिकल को वाई टू डिस्टेंस तक, वाई टू एम्पलीट्यूड तक डिस्प्लेस किया। अब दोनों का वेक्टर सम जो होगा वो दोनों वेव को एक साथ उस पॉइंट पे या उस पार्टिकल पे सुपरइम्पोज करने के बाद जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसके बराबर होगा। तो इस चीज को हम लोग नोट कर लेते हैं, व्हेन टू और मोर वेव सुपरइम्पोज्ड ऑन अ पार्टिकल एट ए पॉइंट इन ए मीडियम then the resultant displacement is different from the individual one, है ना, different from individual one, it is equal to, it is equal to the vector sum of
इट इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जब दो या दो से अधिक तरंग किसी पार्टिकल पे, किसी कण पर, है ना, एक बिंदु पर उस माध्यम में अध्यारोपित तो होते हैं, तो उनका जो परिणामी, उस कण का परिणामी विस्थापन जो है वो व्यक्तिगत विस्थापन से अलग होता है। ये व्यक्तिगत विस्थापनों का सदिशीय योग के बराबर होता है, है ना। मतलब y जो है रिजल्टेंट, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। देखते हैं कैसे। कैसे, है ना, मान लेते हैं हमारे पास एक वेव ये है, ठीक है। तो पहला का एम्पलीट्यूड के कारण डिस्प्लेसमेंट ये होगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पहला का इतना है। दूसरा जो है दूसरा का डिस्प्लेसमेंट इतना है, तो जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा, दोनों सेम डायरेक्शन में है कि नहीं, तो रिजल्टेंट इन दोनों का सम के बराबर हो जाएगा। मान लेते हैं ये इक्वल टू इतना हो गया, तो परिणामी जो है हमारा वैसा हो जाएगा। ना ये व्हाइट वाला हमारा क्या हो जाएगा, रिजल्ट। उसी तरीके से देखते हैं यहां पर एक जो है पहला का इतना है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, दूसरा हम लोग ऐसे कर लेते हैं, दूसरा इसमें है प्लस, तो रिजल्टेंट हमारा आएगा इतना। मतलब ये वाला जो है यहां पर देखिए, ये और ये अपोजिट फेज में है, ये फाइनल वाला क्या आएगा, परिणाम। तो सेम फेज में रहता है तो हमारा एम्पलीट्यूड डिस्प्लेसमेंट जो है वो बढ़ जाता है, ये फाइनल जो है बढ़ गया, लेकिन अपोजिट फेज में रहने पर हमारा ये क्या हो गया, घट गया। तो अगर नॉर्मल वे में देखेंगे तो y1 प्लस y2 बराबर यहां पे y हुआ, और यहां पर क्या हो गया, y1 माइनस y2 बराबर y। क्यों, क्योंकि ये अपोजिट फेज में और ये क्या है, सेम फेज में। तो इस तरीके से सुपरपोजिशन जो है वेव का होता है, जब एक दूसरे पर सुपरइम्पोज करते हैं। अब कुछ जो है इंपॉर्टेंट टर्म्स है इसके रिगार्डिंग, उसको हम लोग देख लेते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो है वो पढ़ेंगे, है ना। उसमें से पहला टर्म हम लोग देखते हैं वो है फेज। तो किसी वेव का फेज क्या होता है, है ना। किसी वेव के डिस्प्लेसमेंट का जो एक्सप्रेशन होता है, उस एक्सप्रेशन में साइन एंगल कोसाइन एंगल हम लोग यूज करते हैं, तो साइन या कोसाइन के साथ जो आर्गुमेंट यूज किया जाता है वही उस वेव का फेज होता है। द आर्गुमेंट, द आर्गुमेंट यूज्ड
द एक्सप्रेशन इन द एक्सप्रेशन ऑफ द आर्गुमेंट यूज इन द एक्सप्रेशन ऑफ displacement with sign and cosine angle is called फेज इज कॉल्ड है ना साइन या कोसाइन के साथ जुड़ा हुआ हर एक जो क्वांटिटी है अगर जो डिस्प्लेसमेंट का हम एक्सप्रेशन दे रहे हैं जैसे ये वाई हुआ वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी या वाई इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस तो ये किसी वेव का इक्वेशन वेव के डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है। अब इसमें साइन के साथ ओमेगा टी लगा है और इसमें साइन के साथ ओमेगा टी प्लस फाइव लगा है तो यही वेव के डिस्प्लेसमेंट का जो एक्सप्रेशन होता है उसमें साइन या कोसाइन के साथ जुड़ने वाले जो आर्गुमेंट है जो क्वांटिटी है जो नंबर्स है उसी को हम लोग फेज बोलते हैं। तो फेज of the wave is यहां पे क्या क्या है ओमेगा टी एंड ओमेगा टी प्लस फाइव ये हो गया फेज। ओके अब हम बात करते हैं फेज डिफरेंस की। तो फेज डिफरेंस क्या है कि जब दो वेव एक ही पॉइंट पे किसी मीडियम में मिलते हैं है ना तो उस पॉइंट पे दोनों वेव के फेज में जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग फेज डिफरेंस कहते हैं। फेज फेज डिफरेंस व्हेन टू वेव when two waves meet at a point when two waves meet at a point then meet at a point then the difference in phase of both wave is called phase डिफरेंस है ना। जैसे हम लोग देख लेते हैं कि y1 इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी है और दूसरा है y2 इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव तो हम लोग इसका फेज क्या है ओमेगा टी और इसका फेज क्या है ओमेगा टी प्लस फाइव तो दोनों का फेज डिफरेंस निकालेंगे हम लोग। फेज डिफरेंस निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा ओमेगा टी प्लस फाइव माइनस
ओमेगा टी बराबर क्या हो जाएगा फाइव। तो ये हो जाता है हमारा फेज डिफरेंस। ओके अब हम पाथ डिफरेंस पे आते हैं कि पाथ डिफरेंस क्या होता है। पाथ डिफरेंस है ना, तो जब दो वेव एक जगह पर मिलते हैं किसी एक पॉइंट पे मिलते हैं तो दोनों वेव के पाथ लेंथ में जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं पाथ डिफरेंस। ओके व्हेन टू वेव्स आर मीटिंग एट ए पॉइंट, व्हेन टू वेव्स आर मीटिंग एट ए पॉइंट देन डिफरेंस इन पाथ लेंथ एंड डिफरेंस इन पाथ लेंथ ऑफ बोथ वेव इज कॉल्ड पाथ डिफरेंस। ठीक है इसको हम लोग डेल्टा से सूचित करते हैं। It is denoted by delta, है ना? Delta और phi में path difference और phase difference में क्या relation होता है? तो delta equal to होता है lambda by 2 pi into phi। Lambda क्या है? वेवलेंथ होता है। ओके तो लैम्डा वेवलेंथ है, टू पाई और ये फाइ क्या है? फेज डिफरेंस है। ये क्या है? डिफरेंस है ना। अब हम लोग देखते हैं टाइम डिफरेंस क्या होता है। टाइम डिफरेंस, टाइम डिफरेंस क्या होता है? तो ये हो जाएगा डिफरेंस डिफरेंस ऑफ टाइम बिटवीन टू वेव्स एट ए पॉइंट इज कॉल्ड टाइम डिफरेंस। ओके difference of time between two waves meeting at a point, डिफरेंस ऑफ टाइम बिटवीन टू वेव्स मीटिंग एट ए पॉइंट इज कॉल्ड टाइम डिफरेंस, है ना? टीडी। ये तो टाइम डिफरेंस को भी हम लोग फाइ के साथ रिलेट कर सकते हैं। TD इज इक्वल टू टी बाई टू पाई इंटू फाइव। यहां पे T क्या है? T इज इक्वल टू है टाइम पीरियड। ओके फाइव क्या है? फेज डिफरेंस।
तो जब दो वेव किसी बिंदु पर मिलते हैं तो दोनों के उस बिंदु तक पहुंचने में जो समय लगता है ना, उन दोनों के समय का अंतर जो है वो हमारा टाइम डिफरेंस होता है। तो ये हो जाता आपका बेसिक टर्म जिसका डेफिनेशन है ना। इसके बाद हम लोग जो है जब दो वेव एक दूसरे पर सुपरइम्पोज कर रहा है तो उसका रिजल्टेंट इंटेंसिटी और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड को देखते हैं। ओके, तो पहले इसको नोट कर लीजिए।